आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम फिर से एक न्यू केक बनाने जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट स्टाइल में। इस केक का नाम है सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक। पहले मैंने आप लोगों को सिंपल केक, जिसे टी केक कहते हैं, वो मैंने बनाना सिखाया था। उसमें मैंने आपको बेसिक टिप्स, ट्रिक्स और मेजरमेंट करने का तरीका सिखाया था। आज मैं आप लोग को एक न्यू मेथड सिखाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स वही होंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी एडिशन है और मेजरमेंट्स भी थोड़ी बहुत आप लोग को सिमिलर लगेंगी। ये स्पेशली उनके उनके उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जो केक बनाना जिन्होंने स्टार्ट किए, बेकिंग स्टार्ट किए, ये उनके लिए स्पेशली केक्स हैं। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक देखे होंगे, लेकिन उनमें से एक ये भी है और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आसान भी रहेगा और मज़ेदार भी। शुरू करते हैं हम लोग। मैदा 12 टेबल स्पून, यहाँ मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, इधर ही मैंने लिया है पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 3 एग्स, पिसी चीनी यानी कास्टर्ड शुगर लिया है मैंने 12 टेबल स्पून, वनीला एसेंस लूँगी मैं 1/4 टीस्पून, जब लूँगी आप लोगों को दिखा दूँगी। मेल्टेड घी मैंने बिल्कुल मेल्ट की थी, गरम बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ मेल्ट ही मेल्ट। कैसी थी? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म, लाइक ऑयल की फॉर्म पे मैंने इसको फिर मेजर किया था। अब ये जम रहा है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी आप मेजर करेंगे इसको तो आप मेल्ट कर लाइक प्रीवियस वीडियो ऑफ केक, उसी तरह बिल्कुल आप मेजर करेंगे। जो लोग नए हैं देखने वाले, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको उसकी लिंक आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। बिल्कुल वही तरीके से मैंने 12 टेबल स्पून घी लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इंग्रेडिएंट्स समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं केक बनाने की तरफ। मैं आज भी केक पतीले में बना रही हूँ। पतीले का भी बिल्कुल वही मेथड है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। तो सबसे पहले हम घी और चीनी को अच्छे से बीट करेंगे। वही बात कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब पॉइंट्स क्लियर किए थे। अगर आप लोग फिर भी कन्फ्यूज़ हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो प्लीज़ जाकर देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसी के साथ अलग से मैंने निकाल लिए हैं 3 अंडे, इसको मैं अलग जो है बीट करूँगी और इसको मैं अलग बीट करूँगी। अब दोनों को मैं बीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। जी नाजीन, तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने सिर्फ एग जो है वो आपस में बीट किए हैं, जस्ट एग है। अब हम जो है बीट करके दिखाएंगे आपको चीनी और घी। जी नाजरीन, तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने घी और चीनी को आपस में अच्छे से बीट कर लिया है, बिल्कुल यकजा हो गए हैं, आप लोग ये देख रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारा अंडे जो थे फेंटने थे, सेकंड स्टेप घी और चीनी फेंटना था। अब थर्ड स्टेप है कि इन तीनों चीज़ों को, जो चार चीज़ें थी, बेकिंग पाउडर, मैदा, कोको सॉल्ट, इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने पहले छान लिया था इसको, ठीक है। तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए। अब फोर्थ स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है कि हम जो अंडे को इसमें थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करेंगे, हिलाना नहीं है। फोल्डिंग का ही मेथड मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ और मैं जो है वो हाथ से करूँगी फोल्ड, देखते जाइए। जी नाजरी, मैंने अब एग फोल्ड कर लिए हैं इसमें। अब बारी है मैदे की, मींस ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, वेट में मिलने की। तो मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करूँगी, जैसे मैंने पहले सिखाया था आप लोग को, और मैं हाथ से करती हूँ और हाथ से ही करूँगी मैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है और अच्छे से फोल्ड भी हो जाता है। जी नाजरीन, तो ये देखिए मैं अच्छे से फोल्ड कर चुकी हूँ इसे, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो गया है ये। ये देखिए आप लोग, इतने अच्छे से फोल्ड हो गया ये, देखिए मेरा रनी फॉर्म है। वही बात दोबारा रिपीट करूँगी कि अगर आप लोग का जो है वो थोड़ा सा इस फॉर्म से भी ज़्यादा जो है वो गाढ़ा हो रहा है, ज़्यादा एक्सेस में जो है वो हार्ड हो रहा है, तो आप लोग 1-2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके नॉर्मल टेम्परेचर का हो। एक और बात की सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की हो, कोई भी जो है फ्रिज के टेम्परेचर का ना हो, चिल ना हो, कोई भी चीज़ रूम टेम्परेचर की हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि वही बात कि 1-2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके आप लोग इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं, ठीक है। लास्ट इंग्रीडियंट डाल रही हूँ वो है वनीला एसेंस, डाल के फोल्ड करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जी नाजरीन, तो वनीला एसेंस मैंने ऐड करके फिर मैंने पोर कर लिया है ग्रीस मोल्ड में, वही मोल्ड है ये पुडिंग मोल्ड जिसमें मैंने आपको प्रीवियस केक भी बनाना सिखाया था। अब मैं प्री हीटेड पतीले में इसको डालने जा रही हूँ। जी नाजरीन, तो मैंने पतीले में रख दिया है, अब मैं इसका लिड जो है वो कवर कर रही हूँ लिड से।
लिड से कवर करने के बाद पहले इसमें मोटा कपड़ा रख दिया है। मोटे कपड़े का भी मैं बता चुकी थी आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो में। 10 मिनट मैं इस मीडियम फ्लेम में रखूंगी, उसके बाद मैं लो कर दूंगी जैसे पहले थी। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग को पूरे 35 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने इसका कपड़ा हटा दिया है। लिड फ्लेम जो है मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं आप लोग के सामने इसका लिड हटा रही हूँ, चेक करें। ये देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ये फाइन स्क्रूबर निकला है। और केक देख रहे हैं आप लोग कितना डिलीशियस और यमी लग रहा है। तो अब जो है मैं थोड़ी देर इसको इसमें ही छोड़ देती हूँ 5-6 मिनट, उसके बाद मैं इसको निकालूंगी। अब मैंने कूलिंग रैक में रख दिया है इसको। अब हम इसको मुकम्मल ठंडा कर लेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें पोर करूँगी सॉस, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। जी नाज़रीन, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा केक निकला है और सॉफ्ट भी कितना है। अब मज़ीद हमें क्या करना है, हम इसको दोबारा जो है वो सांचे में डाल देंगे। सांचे में डालने के बाद अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं कोई सा भी आप लोग ना फ्लेवर्ड मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है वो चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क लिया है। आप लोग भी चॉकलेट फ्लेवर्ड मिल्क लीजिएगा जो मैं पोर कर रही हूँ। इससे ये होगा कि इस ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा केक, मॉइस्ट हो जाएगा। मॉइस्ट तो पहले से ही है और मॉइस्ट हो जाएगा और इसमें फ्लेवर आ जाएगा। जो फ्लेवर आप लोगों को पसंद हो, जो आप लोगों के बच्चों को पसंद हो, वही फ्लेवर आप लोग लीजिएगा तो केक का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से सोख हो जाए। भी देखिए ना जी, मैंने इसमें पोर कर दिया एक्स्ट्रा है, वो देखिए शाइनी हो गया, सही है। और ये मॉइस्ट भी काफ़ी हो गया है, डिश आउट करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बहुत ही मॉइस्ट और फ्लेवर्ड वाला केक होगा ये, आप लोग को उम्मीद बहुत पसंद आएगा। बिलीव मी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी बात ये कि जब मैंने इसमें ड्रिजल कर दिया था तो मैंने इसको मुकम्मल ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने लिया था चॉकलेट स्प्रेड, मैंने लिया था नोटेला। आप लोग को मर्ज़ी है, आप लोग को जो पसंद आए वो ले लीजिए। 2 टेबल स्पून उसको ले लीजिए। मैं 2 टेबल स्पून का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप पे लगाया है। अगर आप लोग फुल जो है लगाना चाहते हैं, फुल लगाना चाहें, तो फिर आप क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने केक के हिसाब से। मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, उसमें मैंने नुटीला था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर हल्का सा उसको मैंने मिक्स कर लिया था। नुटीला को जो है वो मुझे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप लोग कोई और चॉकलेट स्प्रेड लेंगे तो उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा, थोड़ा ही गर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने 2 टेबल स्पून मिल्क, वही मिल्क जो इसमें मैंने फ्लेवर्ड मिल्क डाला है वही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा उसका। उसको आपने अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर आपने ड्रिजल कर लेना है या लगा लेना है। मैंने इसके ऊपर नुटेला लगाया है क्योंकि मुझे नुटेला पसंद है। आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को कोई सा भी चॉकलेट स्प्रेड है या आपके पास गेनाश रखा है वो स्प्रेड कर दें। गेनाश या ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये मैंने क्विक आप लोग को इसकी एक टिप दे दी है कि आप लोग इसके ऊपर ये भी जो है वो स्प्रेड करके लगा सकते हैं और अपने केक का मज़ा दोबाला कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आगे भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ लेती हूँ आप लोग से इजाज़त, फिर एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।